नमस्कार साथियों, आईसीटी मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं संदीप तंवर। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बांडोर उच्ची में हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाएंगे जो आज तक आपको केवल सुनी है, ये हुआ वो हुआ। गौ माताओं के तो लगभग हमें सुना है कि जुड़वा बच्चे बाछे दिए जाते हैं, बाछी दी जाती है, पर गांव भांडोर ऊंची में हमारे हिसाब से पहली बार पूरा रूबरू करवाएंगे आईसीटीएम मीडिया चैनल के माध्यम से। जो यहां भैंस है उनके जो मालिक है उनसे भी पूछेंगे, क्या कई बार जब भैंस ब्याती है तो क्या वो हमेशा ही जुड़वा बच्चे देती हैं या फिर अब के ही ऐसा हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हो आईसीटी मीडिया चैनल के माध्यम से, आप दो जुड़वा पाड़ियों ने यहाँ जन्म लिया है, दो जुड़वा पाड़ियों को जन्म दिया है। ये भैंस है यहाँ, ये दो जुड़वा पाड़ियाँ हैं। पहली बार भांडोर गांव में ऐसी हमें सूचना मिली है। ये इन्होंने आज लगभग दोपहर में जन्म लिया है दोनों ये जुड़वा हैं। हम जो इनके मालिक हैं जो भैंस के, उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ, एक बार बच्चे ही जुड़वा देती हैं या फिर कैसे हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी, आईसीटी मीडिया में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है साहब। अंकल जी भैंस नहीं है ना, मोल ने खरीद के लेके आया। लगभग कितने बजे के लगभग दो पार्टी जुड़वा पार्टियों को जन्म दिया? 11 और 11:15 बजे। तो अब क्या भांडोर गांव में ऐसे पहले कभी ऐसी घटना सुनने को मिली? नहीं, मैंने तो, मेरी 57 साल की एज होगी और मैं सर्विस भी करके आया हूँ 19 साल। मैंने तो पहली बार ऐसी घटना देखी है जो कि एक भैंस ने दो पाड़ी दी। 14 लीटर दूध था और जहर की थी, बिल्कुल मैंने निकाला है, देखा भी है। आपने ली थी इसमें कितने रुपए के लगभग ली थी ये? मैं ये 65,000 में खरीद के लेके आया था जी। तो अब जो ये दो पार्टियों ने जन्म लिया है, जैसे महेंद्रगढ़ भांडोर गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है, इस भैंस को रखोगे या फिर बेचोगे अभी? मेरा तो विचार ये है घर पे रखने का, बाकी अगर पशु का कोई दाना पानी उठ गया तो एक अलग से बात है। लगभग कितने दूध ये पिछली बार 30 जून ब्याई थी, इस बार चौथे ब्याई है। कि भैंस ने जो जुड़वा पाड़ियों को जन्म दिया, क्या पहले कभी पहले अभी ये जो भैंस है अभी जुड़वे दिए हैं या पहले भी जुड़वा दिए थे? नहीं, मैं तो एक्चुअली क्या था, ये लेके आया था पिछली बार ही और एक पाड़ी थी इसके नीचे पिछली साल, और इस बार जुड़वा दो पाड़ी दी हैं, लेकिन मेरे गाय ब्याई थी बहुत दिन पहले, उसने दो बच्चे जरूर दिए थे। देसी गौ रखता हूँ मैं हमेशा,